हाय एवरीवन दिस इज़ वरानिका आज हम बात करेंगे यूरोप के गोस्ट फ्लाइट्स के बारे में और ये एक प्रॉब्लम क्यों है अब गोस्ट से आप भूत मत समझिएगा अब हम डिटेल में आपको बताती हूँ आगे कि गोस्ट फ्लाइट से क्या मतलब है आपकी कोई भी क्वेरी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर पी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा बाकी अगर आप हमारा कोई भी कोर्स खरीदते हैं तो आप डिस्काउंट कोड वीरो यूज़ कर सकते हैं इस पर आपको थर्टी ऑफ हमारे सभी कोर्सेस पे मिलेगा और इसके लिए वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नाउ to कमिंग है गोस्ट। गोस्ट मतलब है right? कोई भूत नहीं है, अब basically आप क्या है कि जो flights का है। हमने देखा कि एविएशन सेक्टर पे कितना ज्यादा असर पड़ा है पैंडमिक का फ्लाइट्स नहीं चल रही थी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद थी डोमेस्टिक भी बंद हो गई थी बीच में और ये जो डिक्लाइन फ्लाइट बिज़नेस में हमने देखा गया देखा है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ पैंडेमिक के टाइम्स में लेकिन जो एयरलाइंस हैं वो क्या चाहती थी कि उनका जो मार्केट शेयर है वो बना रहे वो उसको मेंटेन करने का कोशिश कर रही थी मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी इसलिए जो कंप्लेन है यहाँ पे गोस्ट फ्लाइट्स के बारे में आ रही थी कि यानी खाली फ्लाइट्स जो हैं उनको फोर्स किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अब ऐसा क्यों है बेसिकली यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन है एक यूरोपियन यूनियन का एक रेगुलेशन है जो 1993 में कभी इन्होंने लाया होगा जिसमें क्या ज़रूरत है कि जो यूरोप की जितनी भी एयरलाइंस हैं वो चाहे खाली फ्लाइट उड़ाएं या ऑलमोस्ट खाली फ्लाइट यानी विद मिनिमम पैसेंजर्स ताकि जो उनके स्लॉट्स हैं टेक और लैंड ऑफ के टेक ऑफ के और लैंड ऑफ के वो बने रहें अब देखिए कितनी सारी कंपनीज रहती है ना जो मार्केट uh, में है आप भी बुक करते होंगे फ्लाइट तो अलग अलग कंपनीज की फ्लाइट बुक करते हैं यहाँ पे नाम मैं नहीं लूँगी जिस भी uh, तो यू कैन सी किफ़ी कॉम्पटिशन भी है मार्केट में राइट right? और यहाँ पर हम यूरोप की बात करें यूरोप के एयरपोर्ट्स तो बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स माने जाते हैं तो वहाँ पर हर फ्लाइट को ना उसका एक स्लॉट दिया जाता है कि आप इस समय में इस जगह से इस जगह वाली फ़्लाइट उड़ाएंगे लेकिन सपोज़ वहाँ पे उस वो आपका स्लॉट आपको मिल गया सपोज़ दस बजे का अब हमेशा होता है कि कुछ स्लॉट्स को अच्छा माना जाता है कुछ स्लॉट्स को माना जाता है कि पैसेंजर्स नहीं आते अब सपोज़ किसी को अच्छा स्लॉट मिल गया अगर माना जाता है कि सुबह दस बजे का स्लॉट अच्छा है इसमें काफ़ी लोग बुकिंग करते हैं ओके okay, तो अब क्या होगा कि इस फ्लाइट में अगर इस स्लॉट में कभी जैसे पैंडमिक के टाइम में या कभी कोई बुकिंग नहीं हुई अगर ये फ्लाइट नहीं उड़ाएंगे तो क्या होगा हो सकता है इनका स्लॉट किसी और को दे दिया जाए एक बार करने से ऐसा नहीं होगा उसकी कुछ मिनिमम लिमिट है वो मैं आपको आगे बताऊंगी बट इस तरह से स्लॉट्स जो हैं वो दिए रहते हैं अलग कंपनी के फ़्लाइट्स को और उनको वो स्लॉट वो चाहते हैं कि हमारे स्लॉट्स मेंटेन रहें ताकि कॉम्पटेटिव फ़्लाइट्स को वो स्लॉट्स ना दिए जाएँ इसलिए अगर उनको खाली फ्लाइट भी उड़ानी पड़ती है टेक ऑफ करनी पड़ती है तो वो उड़ा लेते हैं अब इसके नुकसान भी हैं ये हम बताएँ कि आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि ये किस तरीके से एक नुकसान है यहाँ पे आप प्रिंट मीडिया में भी इसके बारे में रिसेंटली पढ़ सकते हैं अब देखिए गोस्ट फ्लाइट हम फाइनली किसको बोलते हैं इस तरह का प्लेन जब वो उड़ रहा है एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट के लिए बहुत कम पैसेंजर्स के साथ या शायद कोई भी पैसेंजर्स के साथ नहीं और ये रेगुलेशन याद रखिए यूरोपियन यूनियन ने नाइनटीन में लाया था क्योंकि हम यूरोप की बात कर रहे हैं यहाँ पर और इसके चलते वहाँ उनके लिए मैंडेटरी है एम फ्लाइट्स ताकि उनका जो मार्केट शेयर है वो बना रहे अब ये जो स्लॉट्स हैं रीजंस यही हैं कि वो नहीं चाहते कि उनके स्लॉट्स दूसरे एयरलाइंस या कॉम्पिटिटर्स को दे दिए जाएं अपने स्लॉट्स को सिक्योर करने के लिए और यहाँ पे मिनिमम उन्होंने क्या क्या, क्या कहा है कि एटलीस्ट जो किसी भी फ्लाइट को जो स्लॉट मिला है 80 परसेंट टाइम आपने उस स्लॉट को यूज़ करना है या तो आप यूज़ करिए या तो लूज करिए अगर आप नहीं यूज़ कर पाएंगे 80% परसेंट तो आपका स्लॉट किसी और को दे दिया जाएगा लेकिन पैंडमिक में ये जो गाइडलाइन है इन्होंने रेगुलेशन है इसको 80% परसेंट से 50% परसेंट पर लाया लेकिन एक बार विंटर्स आपकी मार्च में खत्म हुई तो स्लॉट्स को फिर से यहाँ पे इन्होंने इंक्रीज कर दिया 64 परसेंट ये लेके आ गए इसको केटलीस्ट सिक्सटी तो आपको स्लॉट टेक ऑफ उस टाइम पर करना है और इसका यह है कि ताकि लोगों को लगता रहे कि एडिक्वेट मार्केट शेयर है कि काफ़ी लोग इसको बुक कर रहे हैं बहुत लोग इस फ्लाइट से उड़ रहे हैं तो दिखाने के लिए ये चीजें की जाती हैं तो अपनी होल्डिंग्स को प्रूफ करने के लिए मार्केट शेयर प्रूफ करने के लिए ये डिसीजन लिया जाता है देखिए यहाँ पे लिखा है यूज इट और लूज इट या तो यूज़ कीजिए जो आपको मिनिमम परसेंटेज दी गई है या तो आपका स्लॉट किसी और को दिया जाएगा अब ग्रीन पीस देखिए ग्रीन पीस का नाम याद रखिए ग्लोबल नेटवर्क है इंडिपेंडेंट कैंपेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढते हैं ठीक है ठीके? तो ग्रीन पीस ने ये रिसर्च की है एनालाइज़ किया है और उनके एनालिसिस के अकॉर्डिंग अराउंड एक लाख पॉइंट लेस गोस्ट फ्लाइट्स हैं यूरोप में जो इस तरीके से उड़ती हैं खाली उड़ रही हैं या मिनिमम पैसेंजर्स के साथ उड़ रही हैं अब देखिए इसका नुकसान हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसका नुकसान हो रहा है यहाँ पर क्लाइमेट आप देखेंगे इन्वायरमेंट को डैमेज हो रहा है एमिशन्स आपकी निकल रही हैं कोई भी फ्लाइट उड़ेगी तो उससे अमिशन निकलेंगी और ये एक फ्लाइट के उड़ने से अगर आप देखेंगे ना या फिर मतलब जो ये ये यहाँ पे था, एक लाख फ्लाइट्स की बात की गई है तो यहाँ पे बोल रहे हैं अराउंड 1.4 मिलियन कार्स से जितनी एमिशन्स निकलेगी उतना ये पोल्यूशन इस तरह की गोस्ट फ्लाइट्स करती हैं तो ये भी रिपोर्ट किया गया कि देखिए वैसे भी एविएशन सेक्टर जो है हमारा जो फ्लाइट्स ये उड़ती हैं एविएशन सेक्टर हम इसको बोलते हैं इसमें बहुत सारे कार्बन एमिशंस होते हैं बहुत सारी कार्बन एटमॉस्फेयर में जाती है एक एना आ, एक एनालिसिस ये भी दिखाता है कि एक लंबी फ्लाइट जो है ऑलमोस्ट इतने कार्बन एमिट करती है जितना एक एवरेज पर्सन यू नो मोर एमिशन इन एवरेज पर्सन इन डजन्स ऑफ कंट्रीज प्रोड्यूसिंग द होल ईयर एक साल में एक इंसान इतने कार्बन एमिशन नहीं करता चाहे वो गाड़ी चला रहा है या कुछ भी चला रहा है जितनी आपकी एक सिंगल फ्लाइट से एमिशंस कार्बन के हो जाते हैं खैर इसके बारे में मैं डेटा आपको और भी बताऊँगी अब ग्रीन पीस के एनालिसिस की माने तो नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स क्लाइमेट चेंज अगर आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज क्या क्लाइमेट डैमेज की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं फ़्लाइट्स जो करती हैं कितना 2.1 मिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड तो इतना एमिट ये कर रही हैं इत इतना क्लाइमेट डैमेज ये कर रही हैं और ये डैमेज किसके बराबर है एमिशंस का 1.4 मिलियन एवरेज पेट्रोल और डीजल कार्स इन अ ईयर अगर 1.4 मिलियन गाड़ियाँ चाहे पेट्रोल की गाड़ी हो या डीजल जिसमें डलता हो वैसी कार हो जितना वो एक साल में पल्यूट करेगी उतना डैमेज ये इन्वामेंट को एविएशन सेक्टर इस तरीके से कर रहा है अब यहाँ पर एक ग्रुप है एयरलाइंस का लुफहानसा ग्रुप इन्होंने अपने नंबर्स हमको बताए हैं रिपोर्ट में इनका मानना है ग्रीन पीस वालों को कि इन्होंने अपनी गोस्ट फ्लाइट्स के बारे में कम्युनिकेट किया बाकी फ़्लाइट्स ने तो बताया भी नहीं कि वो कितनी इस तरह की फ्लाइट्स उड़ाते हैं और इस ग्रुप ने एस्टिमेट किया कि अराउंड अठारह हज़ार एम टी फ्लाइट्स उड़ा रहे हैं अकेले सिर्फ ये जो ग्रुप है एयरलाइंस का और डिपेंड बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स अपॉन देयर मार्केट इन यूरोप कितना मार्केट शेयर है अगर सेम लॉजिक हम बाकी की फ़्लाइट्स पर भी लगाएँ तो यूरोप में एक ये एक्स्ट्रापोलेशन ही है कि अराउंड एक लाख इस तरह की गोस्ट फ्लाइट्स जो हैं वो चल रही हैं तो अभी बाकी एयरलाइंस ने तो बताया भी नहीं एक ग्रुप से हम अंदाजा लगा रहे हैं ग्रीन पीस डिमांड्स यूरोपी यून एंड कोस्ट फ्लाइट्स तो ग्रीन पीस का यही डिमांड है कि जिस तरह से आप इन्वायरमेंट को यूरोपियन यूनियन का एक रेगुलेशन की वजह से इतना नुकसान हो रहा है तो ये गोस्ट फ्लाइट के रेगुलेशन को इनको ख़त्म करना चाहिए उन्होंने यूरोपियन कमीशन को भी बोला है नेशनल गवर्नमेंट्स को भी बोला है इस रेगुलेशन को ख़त्म कीजिए और गोस्ट फ्लाइट्स को मैंटेन करने में क्योंकि इन्वायरमेंट जो है हमारा उसको बहुत नुकसान हो रहा है और ऊपर से इन्होंने ये भी बोला अगर कोई शॉर्ट फ्लाइट्स हैं है ना जैसे छः घंटे की कोई फ्लाइट है उस पर ट्रेन का रूट भी अवेलेबल है तो उसको आप डाइवर्ट कर दीजिए ऑल्टरनेटिव ट्रेन रूट उसको दे दीजिए इस तरह की जो शॉर्ट फ्लाइट्स हैं उनको भी बंद कर दीजिए क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है अगर हम इन्वायरमेंट को सेव करना चाहते हैं इस तरह की कुहार इन्होंने लगाई है अब एविएशन सेक्टर और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की अगर हम बात करें तो देखिए अराउंड 2.4 परसेंट ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन्स हैं जो एविएशन सेक्टर से आती हैं 2.4 परसेंट और बाकी गैसेस के साथ वाटर वेपर ट्रेल्स के साथ क्राफ्ट के एयरक्राफ्ट के अगर इनको मिलाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए अराउंड पाँच परसेंट एमिशन्स जो हैं आपके सेक्टर से आ रही हैं फर्स्ट ग्लांस में आपको शायद ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लगेगा कि ठीक है बाकी सब तो कर ही रहे हैं अगर पाँच ये भी कर रहा है तो कौन सी बड़ी बात है राइट right? लेकिन यहाँ पे ये समझिए कि एविएशन सेक्टर में अभी तो इतने लोग उड़ते भी नहीं हैं मतलब इत, हमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं लग रहा लेकिन ये समझिए कि बहुत कम परसेंटेज लोग जो हैं वो फ्लाइट्स लेते हैं अगर आप रिच कंट्रीज़ को भी देखेंगे लाइक यूके यूएस आधे लोग भी उसके नहीं उड़ते हैं एक साल में ओके फ्रीक्वेंट फ्लायर्स जो हैं वो सिर्फ 10 से 12 परसेंट ही रहते हैं बारह से 15 परसेंट रहते हैं और अगर 12 से 15 परसेंट लोग इतना एमिट कर रहे हैं तो आप सोच लीजिए लोगों के पास जब और ज़्यादा पैसा आना लगेगा और ज़्यादा वो एयर ट्रैवल करने लगेंगे तो कितना ज़्यादा ये कार्बन एमिशन्स जो है हमारे इंक्रीज़ होने लगेंगे ऑल तो हमारे पास बहुत एग्जैक्ट डेटा नहीं है बट यहाँ पे जिस तरह से एविएशन सेक्टर से अगर एमिशन्स आ रही हैं और ये गोस्ट फ्लाइट्स भी एमिट कर रही हैं इन चीज़ों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर यू में हर कोई यू नो फ्लाइट लेने लगे हर साल एक फ़्लाइट भी ले ले तो यू की जितनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस नहीं है वो एक बार में ही पूरी हो जाएंगी इस तरह से डेटा हमको बताता है यहाँ पे आप कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट एमिशन्स देख सकते हैं कि हर एक एक पैसेंजर एक किलोमीटर पे अगर जा रहा है लेंथ ऑफ फ्लाइट हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं ऑल्टीट्यूड और वेट के हिसाब से तो कितना ये करेगा जो रेड कलर से है ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है और ये नॉन कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वाटर वेपर्स बाकी की गैसेस जो हैं वो एमिशन है कि डोमेस्टिक फ़्लाइट में कितना हो रहा है शॉर्ट हॉल फ्लाइट में कितना हो रहा है लॉन्ग हॉल फ्लाइट में कितना हो रहा है कोचेस में कितना हो रहा है इंटरसिटी ट्रेन कितना दे रही है इंटरनेशनल ट्रेन तो यहाँ पे आप इस डेटा देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो हैं वो हो रही हैं अब जैसे एक रिटर्न फ्लाइट है लंदन टू सैन फ्रांसिस्को वो अराउंड 5.5 पॉइंट फाइव टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विलेंट पर पर्सन एमिट कर रही है दैट मीन्स वो दो गुना है अगर एक फैमिली कार पूरे साल चलती है वो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करेगी उतना एक फ्लाइट से ही एमिट हो जाएगा और एक रिटर्न फ्लाइट लंदन टू बोर्लन देखेंगे तो पॉइंट सिक्स टनस कार्बन डाइऑक्साइड इक्विलेंट तो यानी ये तीन गुना है एमिशन सेव फ्रॉम अ ईयर ऑफ रिसाइकलिंग तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम इक्विलेंट बता रहे हैं कि कितना ज़्यादा एमिशन होता है अब ये जो एमिशंस हैं प्लेन से एक तो ये इंक्रीज भी कर रहा है विद टाइम इंक्रीज होता जा रहा है थर्टी टू परसेंट इंक्रीज हुआ दो हज़ार तेरह से दो हज़ार अठारह के बीच में ऑल दो फ्यूएल एफिशंसी इम्प्रूव हो रही है धीरे धीरे एमिशन्स पर पैसेंजर कम हो रही हैं लेकिन जितना टोटल पैसेंजर नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ये अमिशंस भी डबल होती जा रही है नेक्स्ट ट्वेंटी ईयर्स में और ज़्यादा डबल हो जाएंगी तो खैर यहाँ पे हमने एविएशन सेक्टर के बारे में बात की और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गोस्ट फ्लाइट्स के बारे में बात की जो एक अनवांटेड रेगुलेशन की वजह से चल रही हैं और इन्वायरमेंट को डैमेज कर रही हैं क्वेश्चन आपके लिए विच एयरलाइंस इज सेट टू बी द फर्स्ट टू यूज़ सस्टेनेबल एविएशन फूड फ्यूएल ब्रिटिश एयरवेज एयर इंडिया कांताज एयर एमिरेट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके आंसर जान सकते हैं कोर्सेज़ के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज ई एम आई भी अवेलेबल हैं थैंक यू सो मच